चिट्ठी कब आ जाएगा ऐसा। मुलाकात के बाद हम ये सामान सारे लेके वहाँ वेट करते रहते हैं। वो एक घंटे या दो घंटे के बाद वो स्लिप बाहर पहुँचाएगा। हम जो सामान देते हैं वो गेट में ले लेते हैं, बट वहाँ लेने के बाद साई को कब मिलेगा ये पता ही नहीं, क्योंकि जब नवंबर में इतनी ठंड शुरू हो गई। साई आप सब जानते हैं साई बाबा पैरलाइज्ड है, दो लेग्स एंड लेफ्ट हैंड भी पहले इनकार्सरेशन के वजह से मजल्स एंड नर्व्स डैमेज हो गए। वो बाहर वैसा पूरा घर पे ही इतना अच्छा सुविधा में रहते हुए भी इनका ठंड में हाथ एंड पैर मुड़ जाते हैं, वो नर्वस स्पैम्स है इसका, वो मुश्किल है वैसा ठंड बेर करने में, इतनी दिक्कत हो जाती है। हीटर, रूम हीटर लगाने के बाद भी इनकी इतनी पेन, बैक पेन एंड अभी ये लेफ्ट हैंड शोल्डर पेन और ये लेग्स पूरा बर्फ जैसे हो जाता है। इसी कंडीशन में हमारा एडवोकेट इनको पहले ही ब्लैंकेट दिया, तो डेढ़ महीने के बाद ब्लैंकेट साई को मिल गए। तब तक वो ठंड में, एक्चुअली अंडा सेल कैसे है ना, पूरा कवर्ड है बट बीच में ओपन है, ये ऐसा एग में जो येलो का योक जैसे वैसा वो ओपन रहता है। बहुत बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा वाल है, उसमें पूरा धूप भी चले जाती है वो बीच में से, और बारिश आ रही तो बारिश भी पूरा सेल में, बारिश के कारण से सेल पूरा भीग जाते हैं, और ठंड भी इतनी है। वो जो ऐसे कंडीशंस में एक ये इनके अभी एक ही हाथ काम कर रहे हैं, ऐसा ऑलमोस्ट ये पेशेंट है। जब ये इनका कन्विक्शन दिया गया मार्च 7th में, उसके पहले फ़रवरी 28th को राकलैंड हॉस्पिटल से पैंक्रियाटिटिस पेन के कारण से वो 10 डेज एडमिट हुए, इलाज लेके आ गए। तब ये डॉक्टर्स ने बोला गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, विद इन 10 डेज सर्जरी होना चाहिए। अभी फिलहाल बेड रेस्ट एंड सॉफ्ट फूड लेने का बताया था। फिर ये फाइनल जजमेंट है, हमें तो कोर्ट में ये भी बताया था ये पेशेंट है, अभी डिस्चार्ज हो गए, नहीं एक दो घंटे के लिए आके जाइए, ऐसा जज ने हमारे लायर्स के साथ कवर दिया था।